सो हैज वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं दो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक से आप भी परेशान अगर हो गए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग क्लोज कर सकते हो। तो बस वीडियो को आखिर तक देखना और वीडियो पसंद आती है तो अपने तरफ से लाइक कॉमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो फर्स्ट जो ट्रिक है वो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चल के आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का आपके पास वैलेट है या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक है, दोनों में से कोई भी चीज आपके पास है तो आप लोग उसे परमानेंटली डिलीट करवा सकते हो। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग को ले चलते हैं। सो ऑलराइट गाइज, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन में जीमेल एप्लीकेशन दिया होता है, देख सकते हो यहाँ पे जीमेल, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका रजिस्टर्ड जीमेल है आपके एयरटेल पेमेंट बैंक से उसे ओपन कर लेना है। तो उसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कॉम्पैस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एयरटेल पेमेंट बैंक का जो भी ईमेल आईडी है उसे आपको डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला ईमेल आईडी है vcare@airtelbank.com, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है अकाउंट क्लोजर, ऐसे लिख देना है, देख सकते हो यहाँ पे लिखने के बाद। उसके बाद कॉम्पैस ईमेल, इसमें अगर आपको वैलेट को डीएक्टिवेट कराना है तो कुछ अलग लिखना होगा, और आपका एयरटेल पेमेंट बैंक को डीएक्टिवेट मतलब परमानेंटली डिलीट करवाना है तो आपको कुछ अलग लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग को लिख करके दिखा देता हूँ, वो सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा ताकि आप लोग देख कर लिख सको। सो तो गाइज, आप देख सकते हो अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का वैलेट को डीएक्टिवेट मतलब परमानेंटली डिलीट करवाना है तो आप देख सकते हो ये लिखना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर नेम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी आपको दे देना है। ये हो गया आपका वैलेट क्लोज करवाने का, यहाँ पर जो भी रीज़न है ये लिखना पड़ेगा। अगर आपको अब डिलीट करवाना है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का जो पेमेंट बैंक अकाउंट होता है उसे परमानेंटली डिलीट करवाना है तो उसके लिए कुछ आपको अलग लिखना होगा, तो मैं वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। सो तो गाइज, कुछ इस प्रकार से अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का पेमेंट बैंक परमानेंटली डिलीट करवाना है तो कुछ इस प्रकार से लिख देना है। डियर सर मैडम, आई एम एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट होल्डर बट आई वांट टू क्लोज इट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सेंड मनी माई एयरटेल फ्रॉम माई एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। उसके बाद आपको अपना नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर दे देना है। अब यहाँ पे एक और स्टेप आता है, आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का फ्रंट और बैक और आधार कार्ड का फ्रंट और बैक यहाँ पे अटैच करके भेजना है। तो जस्ट मैं आप लोग को दिखाने के लिए बता देता हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है कोई भी फाइल अटैच करने के लिए। अटैच फाइल का ऑप्शन आएगा, अटैच फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं कोई सा भी एक फाइल ले लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है आधार कार्ड, बिकॉज मैं आप लोग को केवल दिखा रहा हूँ। अगर आपको करना है तो आप लोग आधार कार्ड ही वहाँ पे सेंड करना। तो मान लेते हैं कि मेरा ये वाला आधार कार्ड है, जस्ट लाइक मैं आप लोग को बताने के लिए कर रहा हूँ, तो ये वाला मैं यहाँ पे अटैच कर दिया, देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अब मेरे को सेंड करना होगा तो ये ब्लू वाला पर क्लिक कर देना है और आपका ये जो है सेंड हो जाएगा। तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए कर रहा था तो यहाँ से हटा देता हूँ। सेंड होने के बाद आपको 7 to 8 days वर्किंग डेज में आपके उनके तरफ से मेल आएगा, जो भी होगा आपके रेफरेंस आईडी भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप लोग फिर से कांटेक्ट कर सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर के पास। तो गाइस, आप देख सकते हो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का वैलेट या फिर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है, दोनों में से कोई भी है, तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है उसे क्लोज करवा सकते हो। अब सेकंड ट्रिक की बात करते हैं, तो सेकंड ट्रिक ये है कि आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का जो कस्टमर केयर है उसके पास कॉल लगा करके अपना अकाउंट उनसे बात करके परमानेंटली डिलीट करवा सकते हो। आपको प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड नंबर भी पूछ सकता है और उसके बाद वो सुनने के बाद आपको 7 to 8 days में आपका जो अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ कि आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर केयर के पास कॉल कैसे लगाओगे। तो उसके लिए आपको आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को देख करके आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर के पास कॉल इजीली लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं कि अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का जो भी कस्टमर केयर से आप लोग बात करना चाहते हो तो आपके पास अगर एयरटेल का सिम है तो 400 नंबर है, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो। अगर आप नॉन एयरटेल यूजर हो, मतलब कि आपके पास जियो का सिम है, आइडिया का सिम है या फिर बीएसएनएल का सिम है और एयरटेल
पेमेंट बैंक यूज करते हो या फिर एयरटेल का वैलेट यूज करते हो तो उसके लिए आपके पास ये वाला नंबर होगा जिससे आप लोग कॉल लगा सकते हो। तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग कॉल लगा करके, आप लोग को कैसे कॉल लगाना है वीडियो में देख लेना है, मैंने वीडियो का लिंक भी दे दिया है, तो वीडियो को देख लेना कैसे कॉल लगाना है, और उसके बाद आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद कॉल लगा करके आप लोग का जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरीके के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।